नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एंड आरआरसी ग्रुप डी के बारे में। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, की टेस्ट बुक की तरफ से लाया गया है द बिग फिनाले सेल 27 से लेकर के 30 अप्रैल तक के लिए। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो है सो कि द बिगेस्ट एवर डील मिल रहा है, जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को जो 2 ईयर का टेस्ट बुक पास है ये मिलता है मात्र 224 रुपये में। वहीं जो 2 ईयर का टेस्ट बुक पास प्रो है ये आप सभी स्टूडेंट्स को मिलता है 539 रुपये में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन क्यों मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको यूज करके आप चाहे तो 2 ईयर का टेस्ट बुक पास, अब चाहे तो 2 ईयर का टेस्ट बुक पास प्रो, दोनों में से किसी को भी आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो पहली जो अपडेट आ रही है फ्रेंड वो एसएससी की तरफ से आ रही है। हम लोग अभी प्रेजेंट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ssc.nic.in, यहाँ पे जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट दिख जाएगा लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में 27 अप्रैल 2023 शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन। ओके, तो ये आपके सामने वो नोटिस है फ्रेंड। इस नोटिस को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये आपके सामने वो नोटिस है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस। तो ये जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का CHSL 2023 का जो एग्जामिनेशन है वो 2 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक है, जबकि आप लोगों का जो MTS है हवलदार CBIC एंड CBN 2023 ये आप लोगों का 1 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक है। वहीं आप लोगों का सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इसका जो एग्जामिनेशन है वो 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2023 तक है। एक तरफ जहां SSC कैलेंडर पे कैलेंडर जारी कर रही है, वहां दूसरी तरफ रेलवे का पिछले 4 वर्षों से कोई नई भर्ती भी देखने को नहीं मिल रही है। तो स्टूडेंट कब यूनाइटेड हो गए ये तो देखने वाली बात होगी। दूसरी जो अपडेट आ रही है वो B2C1 कैंडिडेट्स को लेकर के आ रही है। तो B2C1 के कैंडिडेट्स के कुछ रिक्वेस्ट है, वो मैं आप लोगों को ऑडियो के फॉर्म में जरूर सुनाना चाहूंगा। प्रणाम सर, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं सर कि 24 तारीख को जो लड़के सब गए थे उनमें से 2 लड़के को रेल भवन के हायर अथॉरिटीज के साथ बात करने का मौका मिला था, तो उनको सारा B2C1 के समस्याओं को बताने पर उनका रिप्लाई ये आया कि ये सारा तो RRC करती है, इस पे रेल भवन तो नहीं, इसके बारे में हम लोगों की कोई जानकारी अभी तक नहीं थी। तो आप लोग 3 से 4 दिन का मुझे मौका दीजिए, मैं डिफरेंट RRCs के चेयरमैन से बात करके जो हो सके जितना पॉजिटिव हो सके मैं आप लोगों को 3-4 दिन में खबर करता हूँ। तो जहाँ तक है सर, काम बन सकता है, बस 2 तारीख को जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़का अगर आ गया तो वहाँ से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो ठीक, वरना हम लोग सर जंतर मंतर में 2 तारीख के लिए हम लोग को पुलिस से परमिशन मिल चुका है, उन जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक सर हम लोग वहाँ से आएंगे नहीं। इस चीज़ को सर वीडियो में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक जो जंतर मंटर का ऑर्डर है इसका कॉपी भी मैंने स्टूडेंट से मंगवा लिया। ये देखिए, सेवा में DCP न्यू दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट, RRC 2019 रेलवे भर्ती प्रक्रिया B2C1 मेडिकल कैटेगरी वाले छात्रों के न्याय दिलाने हेतु धरना प्रदर्शन के संबंध में। आगे देखिए क्या कहा गया है, निवेदन है कि हम सभी RRC 2019 रेलवे ग्रुप डी भर्ती है, हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड B2C1 है और हमें ज्वाइनिंग के दौरान हटा के पैनल से बाहर कर दिया गया है, जबकि हमें हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट दी जानी चाहिए थी जो कि ऐसा नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि हम सभी छात्रों को जंतर मंतर पर 2 मई 2023 शांतिपूर्ण धरना देने हेतु अनुमति प्रदान करें। हमारे धरना प्रदर्शन 300 छात्र मौजूद रहेंगे, समय 10 AM to 5 PM रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इन लोगों को मोहर लगा करके साइन करके दिया गया है 24/4/2023, टाइम है आप लोगों का 4:30 PM का। रेलवे एस्पायरेंट्स इनका नाम है अरुण कुमार, यहाँ इनका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का अरुण कुमार। तीसरी जो अपडेट आ रही है फ्रेंड वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का पैनल नहीं आने को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही RTI को लेकर के एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स को अवेयर किया था कि आप लोग किसी भी पर्टिकुलर जानकारी के लिए RTI कर सकते हैं और RTI करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के द्वारा RTI किया गया है जहाँ 2 पर्टिकुलर पॉइंट में जानकारी मांगी गई है। फर्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट ने अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जानने का प्रयास किया है, जबकि सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स ने पूछा है प्लीज़ टेल मी वैन माई पैनल विल कम। तो जैसा ही इस RTI का किसी प्रकार का कोई भी जवाब आता है, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे पास है, हम लोग आपको जरूर से जरूर अपडेट करेंगे। तो इन तीनों अपडेट्स के बारे में आपका क्या रहा होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ जानकारी मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।